कैसे आपका पैनकेक बिल्कुल भी ना जले, ये ट्रिक भी आपको बताने वाले, आपको हर कोई वीडियो में नहीं बताने वाला, बिल्कुल फ्लफी सा पैनकेक बनने वाला है जैसे मार्केट का होता है ना, बस उस तरह का बनने वाला है। कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स है इसे बनाने की, कोई ज़्यादा नहीं है, बस छोटी छोटी ट्रिक्स जिसे आपने फॉलो करना है। बस हमने प्रीमियम ले लिया है, किसका लिया है हमने, पैनकेक मिक्स चॉकलेट प्रीमियम लिया है हमने। ये मार्केट में आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसे लेने के लिए। किसी भी आप स्टोर में जाएंगे ना जहाँ आपको राशन पानी मिलता है, वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगा। और इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा अपनी तरफ से मिक्स नहीं करना घर में, आपको सिर्फ मिल्क चाहिए इसके लिए और कुछ भी नहीं चाहिए, ना आपको बेकिंग पाउडर ना बेकिंग सोडा, कुछ भी आपको ड्राई इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए इसके लिए। बस इसमें सभी कुछ मिला हुआ होता है पहले से, बस हमने क्या करना है, मिल्क लेना है। मिल्क की क्वांटिटी हम आपको बता देते हैं, हमने लेना है हाफ कप, यानी कि इसमें लगभग 90 ml हमें मिल्क चाहिए। हम आपको क्वांटिटी नाप के दिखा सकते हैं। तो हाफ कप हमने आपके सामने ले लिया है, और ये है इसमें 90 ml हमने लिया है इसमें मिल्क। तो इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा, तो हम आपको दिखाते हैं 90 ml मिल्क कहाँ पर है। तो इस तरह से इस लेवल में आ गया है, मगर हम आपको फिर भी खाली करके दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा है ना मिल्क की वजह से, तो हम आपको खाली करके दिखाते हैं इसे। तो देख सकते हैं यहाँ पे 75 है, तो यहाँ पे 100 हो गया है, तो इसके बीचों बीच लेना है हमने, 90 ml लेना है। तो इतना हमने पहले से नाप के रखा है। तो हमने क्या करना है, पहले एक बाउल ले लेंगे और इसे कटिंग करके इस सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इसमें डाल देंगे जिसमें से पहले से मिक्स हो रखा है। आप चाहे तो इसे छन्नी से भी छान सकते हैं, छन्नी से पहले से छना हुआ होता है ना, वहीं से छान के आया हुआ होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी आपको लम्प्स लगते हैं तो वैसे छान सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, दूध थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। और ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इसमें मिल्क थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालेंगे एक साथ। और जो मिल्क की क्वांटिटी हमने ली है ये नॉर्मल है, यानी कि क्वांटिटी से मतलब है कि इसका जो टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, रूम टेम्परेचर में है। हमने ना ठंडा लेना है ना गर्म लेना है, और बिल्कुल राउंड राउंड एक शेप में घुमाना है, दूसरी साइड में उल्टी साइड में नहीं करना है, एक ही साइड में बिल्कुल हम इसे चला लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, बिल्कुल जब तक स्मूथ ना हो जाए ना तब इसे चलाना है हमें। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे दूध। दूध की क्वांटिटी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, इसमें जो मेजरमेंट बताया उसी हिसाब से मैं आपको बता रहे हैं। हो सकता है एक दो चम्मच ऊपर या फिर एक दो चम्मच नीचे भी पड़ सकता है इसमें, हम आपको दिखाते हैं मिक्स कर। हमें तो यहाँ पे काफ़ी लग रहा है, इतना काफ़ी होगा इसके लिए। थोड़ा सा दूध हमारा इसमें से बच गया है, यानी कि 1 से 2 चम्मच करीबन हमारा दूध इसमें बच गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है एक पैन, उसमें थोड़ा पानी के छींटे मार देंगे और इसमें हम क्या कर देंगे, टिश्यू पेपर से इसे हम साफ़ कर देंगे। इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाना, आप अगर नॉन स्टिक में बना रहे तो ऑयल लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अगर नॉर्मल उसमें बना रहे तो ऑयल लगाना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, पानी के ग्रीस कर दिया है और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे एक करछी में, बिल्कुल भी करछी को चलाना नहीं है इधर उधर, बस थोड़ा थोड़ा करके इसे यूँ ही डालते रहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से अपनी शेप अपना आप ले लेगा। और कोशिश ये करें बिल्कुल कम भी बिल्कुल भी ना डालें, थोड़ा मीडियम साइज़ में ही डालें, तभी फ्लफी सा अच्छा सा बनेगा, नहीं तो रोटी की तरह बनेगा बिल्कुल। अगर बिल्कुल ही कम डालेंगे आप, इस तरह से जितना बड़ा साइज का बनाना चाहते हैं उतना बड़ा साइज का बना सकते हैं। तो हम पैनकेक पैन की तरह ही बना रहे हैं, यानी कि छोटा सा ही बना रहे हैं। तो ये एक्स्ट्रा जो लगा है इसमें निकाल देते हैं, हम बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही सेकंड में बनकर तैयार हो जाता है, ज़्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो देख सकते हैं ऊपर से कितने बबल्स आ गए हैं, ऊपर से जैसे ड्राई लगेगा ना, आपको ड्राई होने लगा है, तो क्या करेंगे इसे हम तुरंत इसे क्रूज के इसे पलट देंगे। तो थोड़ा सा स्पैचुला से दिक्कत हो रही है, तो हम क्या करेंगे इसे थोड़ा पलट तो देंगे, मगर हम साथ में थोड़ा सा हमें करछी की ज़रूरत लग रही है, हम करछी ले लेंगे। इस तरह से पहले पलट देते हैं हम इस तरह से, तो देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया, कितना बेहतरीन कलर आया है इसमें, काफ़ी अच्छा कलर आया है इसमें, जैसे मार्केट में मिलने वाला होता है बस उस तरह का कलर है। तो इसे हम पलटी कर देंगे, बिल्कुल स्मूथ फ्लफी सा बन रहा है ये, अंदर से काफ़ी अच्छी जालियाँ पड़ी है, मिनी डोरा केक या फिर पैनकेक कह सकते हैं इसे, कुछ भी कह सकते हैं, जिस नाम से भी आप जान सकते हो इसे। अगर आप इसके अंदर स्टफिंग कर सकते हो, चॉकलेट की स्टफिंग, काफ़ी अच्छा लगता है खाने में, जैसा भी आपको पसंद हो, या फिर आपके घर में बच्चे वगैरह जैसा खाना पसंद करते हैं उस तरह आप इसे आसानी से बना सकते हैं। इसी तो हमने प्लेट में निकाल दिया है। हम आपको दूसरी ट्रिक बताने वाले हैं जिसमें हमने आपको पहले भी आगे वीडियो में बताया था कि आपके पैनकेक है जो जले ना बिल्कुल भी, तो जलने का प्रोसेस हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर हमने कर दिया हाई फ्लेम, काफ़ी अच्छा तवा गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देंगे 2 पैनकेक जिसमें बिल्कुल बचा हुआ है ना सारा, हम इसमें डाल देंगे, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। इसे अच्छी तरह से हमें साफ़ करके इसमें डाल देंगे
और यहाँ पे आप देख सकते हैं तुरंत डालते ही कितना अच्छा इसमें बबल्स पड़ने लग गए हैं। हाई फ्लेम में बिल्कुल रखा है हमने इसे, और यहाँ पे देख सकते हैं कितना फ्लफी सा है, बिल्कुल स्मूथ सा, पीछे से भी बिल्कुल अच्छे से सिका है और आगे से भी, तो ऐसा ही हमें चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा वाला जो बना रहे हैं ना, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनने वाला। इस तरह से देख सकते हैं हमने पलटी कराया तो कितना अच्छा देख कलर भी आ गया है इसमें, यानी कि बिल्कुल जल गया है ये, मगर जो जला है अंदर से बिल्कुल भी नहीं जला, इसकी भारी परत है ना वो ही जली है बिल्कुल, और कितना धुआं निकल रहा है इसमें से पैन से आप देख सकते हैं। हम इसे प्लेट में निकाल देंगे, तुरंत सिक जाता है, इसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। डाला, पलटी करी और थोड़ी देर में इसे पलट दिया, इसे बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं रखना होता। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये बनकर तैयार है, जले हुए वाले भी बनकर तैयार है और बिना जले वाले भी। तो कोई क्या कहता है ना, बोलते हैं पैनकेक बिल्कुल भी नहीं बनते, ऐसे ही होता है बेकार, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बनाने का तरीका होना चाहिए। तो बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल मार्केट जैसा बनने वाला होता है, जैसे उसमें पैकेट में लिखा है ना, पहले से दिखाए पिक्चर्स, बस उस तरह का बन जाता है। तो आप देख सकते हैं, और थोड़ा सा हम इसे स्क्रैच करेंगे ना तो देख सकते हैं कितनी अच्छी से जालियाँ पड़ी है, और ये बाहरी बाहर है, अंदर से बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको दिखाते हैं इस तरह से, देख सकते हैं हमारा पैनकेक तो बनकर तैयार है, बिल्कुल फ्लफी सा पैनकेक हमारा बनकर तैयार है। तो देख सकते हैं कितना लचीला सा, स्मूथ सा है। तो कब बना रहे हो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप? फ्रेंड्स अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ 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 एक लाइक ज़रूर करना। हमने रेसिपी कुछ आपके साथ पहले भी शेयर करके रखी है, आप उसे भी देख सकते हैं, हम आपके साथ एंड स्क्रीन में शेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप इसमें चाहे तो अगर चॉकलेट नहीं डाल सकते, चॉकलेट सिर्प नहीं डाल सकते, तो यहाँ पे शहद होता ना, हनी, हनी भी डाल सकते हैं। हनी से भी काफ़ी अच्छा देखने में सुंदर भी लगता है और खाने में टेस्टी भी लगता है, तो हमने इसे हनी से ही सर्व करा है। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती है और आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लाइक ज़रूर करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। फ्रेंड्स फिर मिलेंगे ऐसी नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।